बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या आपको पता है बायोकेमिक नमकियात के बारे में? क्या आप बायोकेमिक नमकियात के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज हम इस वीडियो में आपको बायोकेमिक नमकियात या बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में आपको बताएँगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो भी आपको मिल सकें। तो चलें बात करते हैं बायोकेमिक नमकियात या बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में। नाज़रीन इकराम, 1874 में डॉक्टर सुशलर जर्मन के एक मशहूर माहिर तबीयात थे। उन्होंने अपनी तहकीकात दुनिया के सामने पेश की। डॉक्टर सुशलर की तहकीकात के मुताबिक कुल 12 नमकियात हमारी इंसानी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिनकी कमी से मुख्तलफ बीमारियां, काबिल इलाज बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उन नमकियात की कमी को बॉडी में पूरा कर दिया जाए तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर वो कमी पूरी ना हो तो इंसान बीमार रहता है। ये एक साइंसी तहकीकात थी जिसको दुनिया ने कबूल किया और आज दुनिया के बेशतर ममालिक में बायोकेमिक अदवियात इस्तेमाल हो रही हैं। नाज़रीन कराम, बायोकेमिक नमकियात या बायोकेमिक मेडिसन की कुल 12 अदवियात हैं और ये पूरे जिस्म की बीमारियों का इहाता करती हैं और इंतहाई मौसर अंदाज में बॉडी को बीमारियों से बचाती हैं। नाज़रीन कराम, ये सेल में मौजूद, इंसानी बॉडी के सेल में मौजूद जो नमकियात कम हो जाएं उनको पूरा करके इंसान को, बॉडी को बीमारी से बचाती हैं। आज हम जदीद मेडिकल साइंस में ये हम जान चुके हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे खून में कौन कौन से विटामिन्स की ज़रूरत होती है जिससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। नाज़रीन इकराम, जानदार के जिस्म में खून में प्रोटीन, ग्लूकोज, पानी, विटामिन और ये नमकियात मौजूद होते हैं। इंसानी बॉडी बेसिकली 4 किस्म के मुख्तलिफ टिशू से मिलकर बनी है, जैसे नर्वस टिशू, मस्कुलर टिशू, एपिथेलियल टिशू एंड कनेक्टिव टिशू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी के बेसिकली यही मेन टिशू हैं। इन टिश्यूज़ के सेल्स में नमकियात की कमी की ही वजह से डॉक्टर शुस्लर की तहकीकात के मुताबिक बीमारियां पैदा होती हैं। आज दुनिया भर में बच्चों, बड़ों, बूढ़ों में ये मेडिसन मकबूल आम हो रही हैं। इन मेडिसन के इस्तेमाल से लोग सेहतयाब हो रहे हैं, खाने में आसान हैं, बच्चों बड़ों में मकबूल हैं, डॉक्टर इनको बहुत ज़्यादा तजवीज़ कर रहे हैं और ये मेडिसन बहुत ज़्यादा मौसर अंदाज में बॉडी को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियो में सुशलर के 12 नमकियात या सुशलर की 12 मेडिसिन पर तफसील से बात करेंगे। इस वक्त के लिए ये सिर्फ तारफ था बायोकेमिक मेडिसिन या बायोकेमिक नमकियात, इनको टिशू साल्ट भी कहते हैं, इसका सिर्फ मुख्तसर सा तारफ था। इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में इस पर तफसील से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।